मोदी ने इंडिया पर हमला किया है। इस बार तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन का घमंड टूटेगा, ये कहा पीएम मोदी ने। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु से बहुत बड़े परिवर्तन की आठ है, दक्षिण छोर से उठी लहर दूर तक जाएगी, ये कह रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं तमिलनाडु की धरती पर बहुत बड़े परिवर्तन की आहट देख रहा हूं। तमिलनाडु में बीजेपी का प्रदर्शन इस बार डीएमके और कांग्रेस के इंडी एलायंस का सारा घमंड तोड़ करके रख देगा। कन्याकुमारी से देश के इस दक्षिणी छोर से जो लहर उठी है, ये लहर बहुत दूर तक जाने वाली है। दक्षिण का कड़ी बताता हूं आपको, दक्षिण में लोकसभा करीब 129 सीटें हैं और इसलिए कई महीनों से पीएम मोदी की नजर दक्षिण पर लगी है। इस बार दो दिनों में पीएम मोदी तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना के तूफानी दौरे पर है। गणित जरा देखिए आप, जहां तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें, केरल में 20 सीटें हैं और तेलंगाना में 17 सीटें। पीएम मोदी बीते एक महीने के भीतर तीसरी बार तमिलनाडु के दौरे पर हैं और वजह है तमिलनाडु की 39 सीटों में से बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं। 2019 के चुनाव में डीएमके और कांग्रेस प्लस ने मिलकर के 38 सीटें जीती थी। अब की एआईएडीएमके के पास सिर्फ एक सीट है। बीजेपी चाहती है कि लोकसभा चुनाव द्रविड़ बनाम सनातन हो ताकि पार्टी के लिए 7 सीटों का लक्ष्य पाना कुछ आसान हो जाए। चुनाव से पहले पार्टी ने आईपीएस रहे के अन्नामलाय को प्रदेश की कमान सौंपी है। गोंडर जाति के प्रदेश अध्यक्ष के जरिए बीजेपी पिछड़े, ब्राह्मण और नाडार जातियों को लामबंद करने की तैयारी में। इसके अलावा तमिल युवाओं और महिलाओं को लुभाने के लिए पीएम मोदी ने वाराणसी में 2 बार तमिल संगमम भी किया है।